जहां पर हम ये बोल सकते हैं ठीक है so कि, कि किस तरीके से से मैं ये निकाल सकती हूं, कि opposite है ठीक so so पर अगेन सेम पैलेलोग्राम हमें पता है पैलेलोग्राम है दैट मीन ऑपोजिट साइड इसकी इक्वल है that no. now, हमने इससे प्रीवियस केस में क्या किया था एक बार उसको रिवाइज करते हैं कि अगर मैं डायगनल को क्रिएट करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास दो ट्राइंगल्स आ गए हैं और मैंने इन्हें कॉन्ग्रेंट दिखाया था तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में हमें ये पता है दैट इफ कॉन्सेप्टी टी कॉन्ग्रेट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल सो अगर हम वो यूज करते हैं तो मैं डायरेक्टली बिल्कुल इसमें बोल सकती हूँ बाई सी पी सी टी ए बी इज इक्वल टू सी डी कॉन्ग्रेंट पार्ट जो भी होगा दोनों ट्राइंगल का वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे So, क्या बोल सकते हैं हम ए बी इज इक्वल्स टू सी डी सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए डी तो ये हमने कैसे अगर हमें सपोज करते हैं कि हमें कोई भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आता है सो so, आपसे ये भी बोल सकते हैं कि आप ये दिखाइए कि दोनों पार्ट्स आपके दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं आपकी वो इक्वल है आपको ये वाली साइड भी डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए प्रूव करने के लिए दे सकते हैं So, हम ये कैसे दिखाएंगे फर्स्ट स्टेप हमारा इसमें ये होना चाहिए कि हम अपने दोनों ट्राइंगल्स को दिखाएं। उसके बाद ठीक है? समझ आए आपको सो so, इस तरीके से एप्लीकेशन में या फिर क्वेश्चन में हम इन थ्योरम्स को यूज कर सकते हैं फाइन तो चलिए बढ़ते अब नेक्स्ट अपने थ्योरम की तरफ नाव नेक्स्ट थ्योरम व्हिच इज व्हिच इज थ्योरम नंबर 8.3 On page number 140. So now let's see, क्या है थ्योरम में, आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही ये समझ आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये हमारे इससे प्रीवियस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है यानी कि उसमें हमें क्या गिवन था हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम है एक क्वाड्रिलेटरल जो एक पैरेललोग्राम है सो so उसके दोनों साइड्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होंगी राइट right? बट अगर हम अब ये कहते हैं कि फॉर सपोज वी क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पैरोोग्राम दिखने जैसा एक फिगर बनाया सो so, हम ऐसा भी कर सकते हैं कोई भी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ठीक है फॉर सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल So, पर अगर मुझे पता है क्वारल सो यहाँ पर अगर ये पेयर यानी कि ये दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल है और हमारी पी एस और क्यू आर दोनों इक्वल है सो इफ इट इफ दिस इज पॉसिबल इन अ क्वारल देन आई वुल सेट दिस क्वारिलेट्रल इज अलोग्राम ठीक है सो उसका कन्वर्स है आपको दोनों तरीके से आ सकता है इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आएगा यानी कि जो भी इसकी एप्लीकेशन होगी उसमें कोई भी थ्योरम यूज हो सकता है ऐसा हो गया हो सकता है कि आपको पैनलोग्राम दे दिया तो आपको इसका एक प्रॉपर्टी पता होगा कि इसकी इक्वल साइड्स इक्वल होती हैं इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ये भी हो सकता है कि भाई आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है एंड देन यू हैव टू शो इट टू बी अ अरेलोग्राम सो आप क्या करोगे अगर उसके ऑपोजिट साइड इक्वल दिखा दोगे तो हो गया पेरेलोग्राम है ना सो so, बस यही है थ्योरम में नाउ वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट थ्योरम अप देन कीप लर्निंग कीप वॉचिंग बाय